2001 में सरकार किसकी थी? बीजेपी। हमला हुआ संसद पे, फिर उसके बाद आज 2023 में सरकार किसकी? 56 इंच सेना वाले, जो पूरे वर्ल्ड में जिसका नाम चल रहा है नरेंद्र मोदी जी, उनके राज में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? आज इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हुई है संसद में, आज ये बम नकली बम नहीं है, ये असली बम भी फेंक सकता था। इतना बड़ा सीना 56 इंच का होने के बावजूद ऐसे कैसे हो सकता है? अमित शाह जी बैठे हैं, अगर कोई चीज होती है हमारे भारत पे कोई आंच आ जाए तो एक मिनट में ये कहते हैं हम चुटकियों में सोल्व कर देंगे, क्योंकि 56 इंच का सबसे पावरफुल, पूरे वर्ल्ड का पावरफुल कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनके रहते हुए सुरक्षा नहीं हो पा रही, सुरक्षा सिस्टम बिगड़ रहा है, तो कहे के अनजाने व्यक्ति कैसे घुस सकते हैं? बीजेपी के ही सांसद पास देता है, उसके बाद अंदर जाते हैं, और अगर वो कांग्रेस के बंदे नहीं पकड़ते तो कल को क्या कर देते हो? कि बीजेपी राज में कैसे हो रही है? और आज वो हमारी सुरक्षा करने में नाकाम है तो हम उसको मुर्दाबाद ही बोलेंगे। इनके पास कोई जवाब नहीं होता, राम, हिंदू, मुसलमान और सीधा आतंकी। नमस्कार, मैं नूरजा और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंडियन यूथ कांग्रेस में। जिस तरीके से कल संसद पे दो लोग घुस गए हैं, उस पहले भी देखा जा चुका है कि जो पहले हुआ था 2001 में 13 दिसंबर के दिन ही हुआ था, ये बरसी मनाई जा रही थी और दो लोग संसद में घुस गए। किस तरीके से जो बताया जा रहा है, इसमें बीजेपी की साजिश बताई जा रही है कि संसद में जो एक परिंदा पर भी नहीं मार सकता है, उसके बाद भी दो लोग कैसे घुस गए, तो उसी को लेकर यहाँ पे आज आंदोलन था। यहाँ हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, पोस्टर लेके खड़े हैं हाथ में कि हमलावरों को संसद भेजने वाले भाजपा सांसद की सदस्यता रद्द करो। सदस्यता रद्द करने की बात क्यों कर रहे हैं आप? ये नाकामियां दर्शाती है इनकी सांसद की, जिन्होंने अपनी पर्ची पे एक लेटर हेड पे बना के दिया है कि भाई आप अंदर जा सकते हैं, जिन्होंने को ऑथराइज लेटर दिया। ये लेटर देने से पहले ये देख सकते हैं कि किसको देना है। ये कहते हैं ये कांग्रेसी हैं, आंदोलनजीवी है। आप आंदोलनजीवी को ऐसी, आप कहते हैं आंदोलनजीवी हैं, आंदोलनजीवी को आपने संसद के अंदर भेज दिया, यानी कि फिर आप भी आंदोलनजीवी हैं, आप भी कांग्रेसी हैं। हम मांग करते हैं नरेंद्र मोदी जी से कि इनकी सदस्यता रद्द हो और इन्हें आजीवन यहाँ से इनकी सदस्यता रद्द की जाए और ना कभी ये संसद का चुनाव लड़ सकें। हम ये मांग करते हैं। तो मतलब गृह मंत्री पे भरोसा नहीं है क्या? थोड़ा भरोसा जताइए। आपको भरोसा है? आप बताइए ना। आप हम बता रहे हैं, आप भी 130 करोड़ जनसंख्या में आते हैं। जब हमें भरोसा नहीं तो आपको भरोसा नहीं है, सिर्फ भरोसा है गोदी मीडिया को। आज इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हुई है संसद में, आज ये बम नकली बम नहीं है, ये असली बम भी फेंक सकता था। और आप ही लोग जो है मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी जी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, मुर्दाबाद कहना कहाँ तक सही है? मुर्दाबाद कहना जिस हद तक सही है 100% सही है, क्योंकि जब 130 करोड़ लोगों की फिक्र नरेंद्र मोदी जी नहीं कर रहे हैं तो हम एक आदमी की फिक्र क्यों करें जिसको हमने बना के भेजा है? नहीं, जिसको हमने बना के भेजा है तो हमने बना के भेजा है, हम उसकी फिक्र क्यों करें? जब उनकी हमारी फिक्र नहीं है तो हम उनकी अपने उनकी फिक्र क्यों करें? और आपने ही बनाया है और आप ही उनको कह रहे हैं मुर्दाबाद, मोदी जी मुर्दाबाद। अगर कोई चीज़ हमने बनाई है और आज वो हमारी सुरक्षा करने में नाकाम है तो हम उसको मुर्दाबाद ही बोलेंगे ना। नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है इस देश के खिलाफ किया है, किसानों के आंदोलन से लेके हिंदुस्तान के जो सैनिक हैं, सैनिकों तक, जो आज से 10 साल पहले वो जनता ने बनाया था इन्हें, ठीक है। अब ये कहाँ बना रहे हैं? अब EBM बना रही है इन्हें। अगर वर्ल्ड पेपर से आप चेक करेंगे तो कांग्रेस आगे होती है। EBM खुलते कैसे बीजेपी एकदम से धड़ल्ले से जिन सीटों पे पीछे हो रही होती है उन पे आगे हो जाती है? मतलब फिर से आप EBM पे सवाल उठा रहे हैं? EBM पे सवाल रहेगा। अगर बैलेट पेपर से चुनाव के बाद भी अगर कांग्रेस हार जाए फिर क्या करेंगे आप लोग? मैं अपना ये सर मुड़वा दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता। एक बार करवा तो दो आप, मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। और मैं नहीं, ये जनता होएगी कि एक बार करवाओ तो। आप एक बात बताइए, जो अभी संसद पे हुआ, ठीक है, 2001 में सरकार किसकी थी? बीजेपी। हमला हुआ संसद पे, फिर उसके बाद आज 2023 में सरकार किसकी? 56 इंच सेना वाले, जो पूरे वर्ल्ड में जिसका नाम चल रहा है नरेंद्र मोदी जी, उनके राज में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? आप मुझे ये बताइए, इतना बड़ा सीना 56 इंच का होने के बावजूद ऐसे कैसे हो सकता है? अमित शाह जी बैठे हैं, अगर कोई चीज़ होती है हमारे भारत पे कोई आंच आ जाए तो एक मिनट में ये कहते हैं हम चुटकियों में सोल्व कर देंगे, क्योंकि 56 इंच का सबसे पावरफुल, पूरे वर्ल्ड का पावरफुल कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कहाँ है ये बताओ ना। आज बेरोजगारी इतनी होगी, 10 साल में दो करोड़ नौकरियों का वादा करा था इन्होंने, 20 करोड़ नौकरियाँ हो चुकी हैं। कहाँ हैं 20 करोड़ नौकरियाँ, आप बताइए।
70 साल कांग्रेस ने बनाया, जिसमें पूरा 70 साल का नहीं है, उसमें बीजेपी सरकार भी रही है, ठीक है। बनाए हुए कांग्रेस को बेचने का काम करा प्रधानमंत्री जी ने, बनाने का काम करा अडानी जी को। गरीब आज पकौड़े तल रहे हैं, पढ़े लिखे स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट की चाय की, स्टूडेंट की पकौड़े की दुकानें करके हो रहे हैं। तो ये बेरोजगारी इतनी हो गई है, हम देखो उन चारों लोगों को हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर बेरोजगारी का मामला है तो हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बेरोजगारी इतनी हो गई है कि रोड पे हैं, स्टूडेंट पढ़ रहा है लिख रहा है, सरकारी जॉब की उम्मीद करता था पहले कांग्रेस के राज में, सरकारी जॉब पढ़ लिख के करता था और सरकारी जॉब मिलती थी, अब कहाँ है वो जॉबें। और आप लोग गृह मंत्री पे भी सवाल उठा रहे हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, पूरा पूरा गृह मंत्री को देना चाहिए, जब वो सुरक्षा के लायक ही नहीं है, उनके रहते हुए सुरक्षा नहीं हो पा रही, सुरक्षा सिस्टम बिगड़ रहा है, तो कहे के अनजाने व्यक्ति कैसे घुस सकते हैं। बीजेपी के ही सांसद पास देता है, उसके बाद अंदर जाते हैं, और अगर वो कांग्रेस के बंदे नहीं पकड़ते तो कल को क्या कर देते वो। और सबसे बड़ी मांग मेरी ये है कि बीजेपी राज में कैसे हो रही है, कैसे अंदर बीजेपी के शासन संसद के अंदर खाली भाजपा सरकार थोड़ी ना थी, वहां तो कांग्रेस की भी सरकार थी, राहुल गांधी भी तो थे। देखिए कांग्रेस वालों की नजर गई, कांग्रेस वालों ने तो पकड़ा उन्हें, पकड़ा, अगर नहीं पकड़ता तो कल को ये मुद्दा कांग्रेस के ऊपर करा जाता और यही कांग्रेसी को आतंकवादी बोला जाता, घुसपैठिया बोला जाता, कि इन्हीं का करवाना था ये हमला इनको करना था, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं होता, राम हिंदू मुसलमान, ठीक है, और सीधा आतंकी हमला, इस चीजों को लेकर। एक तरीके से वहाँ पे जो महिला पकड़ी गई है वो कह रही है कि जो रोजगार का मुद्दा जो उठा रही थी कि रोजगार मिल ही नहीं रहा, तभी वो सांसद में घुसी है। अगर आप लोगों की सरकार आती है तो आप रोजगार का मुद्दा उठाएंगे फिर? पूरा का पूरा उठाएंगे नहीं जी, रोजगार देंगे। ये मैं नहीं, ये हमारे राहुल गांधी जी की आवाज़ हम बोल रहे हैं, हम उनकी सेना है, हम बोल रहे हैं देंगे। और कांग्रेस के लिए मैं भी एक युवा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर आज कांग्रेस होती तो कई नौकरियाँ होती और आज हमारा देश आगे की तरफ बढ़ता। ये तो जीडीपी दिखाते हैं, ये दिखाते हैं अव्वल कर दिया, ये कर दिया, आपने खुद इनके कितने देखे हैं भाइयों बहनों मित्रों, हम जीडीपी इतनी कर दी है हमने इतने, तो कर्जा कैसे बढ़ते जा रहा है, देश कैसे पीछे होते जा रहा है, आज क्या है देश पे। पहले कांग्रेस के राज में एक साइकिल वाला भी रोक के कुछ भी खा लेता था 500 का नोट निकाल के, आज वो अपने घर में नहीं, ये 5 किलो राशन दे के खरीद रहे हैं जनता को, है क्या है 5 किलो राशन खा रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं ना राशन दे के, कहाँ है अगर ये जिसके पास खाने को नहीं है तो वो राशन दे रहे हैं। अगर ये मदद करते, ये मदद करते तो क्या ये आगे जाते, ये मदद करते तो ये 5 किलो को क्यों गाते हैं, क्यों बड़े बड़े पोस्टरों पे बैनरों पे लगाते हैं, हमने इतने 80 करोड़ बंदों को 5 किलो राशन दिया, फ्री दे रहे हैं, तो ये फ्री क्या है, ये कुछ नहीं है फ्री, सब जनता का पैसा लेकर ये अडानी जी को दे रहे हैं, वहाँ बना रहे हैं। जो आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे थे उसमें नारे लगा रहे थे मोदी मुर्दाबाद, तो मोदी को मुर्दाबाद कहना कहाँ तक सही है, प्रधानमंत्री हैं वो देश के। देखिए जी मैम, अगर कोई भी सवाल उठता है देश के नागरिक के लिए, ठीक है, मोदी जी को मैं इसलिए कहना चाहता हूँ मुर्दाबाद, कि सांसद को उन्होंने अपनी माँ बोली थी कि ये नया सांसद मेरी माँ है, उन्होंने देख, तो उसमें कैसे घुस गया कोई अनजान व्यक्ति, जबकि सांसद के आसपास नहीं होना चाहिए कोई। और ये बीजेपी शासन में क्यों होता है, मुझे ये सवाल का जवाब दे दीजिए, बीजेपी ही शासन में क्यों होता है मैम, ये बताइए। तो मतलब आपको लग रहा है कि मोदी के हाथों में देश सुरक्षित नहीं है? नहीं, अब नहीं रहा। महिला आप देख लो, मणिपुर का हाल देख लो क्या हुआ, आपने देखा खुद, एक लेडीज है, आप सोच सकती होंगी कि क्या हुआ होगा वहाँ, और मोदी जी चुप रहे, एक बार भी नहीं बोला, कहाँ सुरक्षित है देश। EBM हटाओ फिर दिखाएंगे सुरक्षित कहाँ है, सुरक्षित नहीं है देश में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो यहाँ पे जो संसद में जो कल हमला हुआ था उसको लेके इन लोगों ने आंदोलन करा था, और जिस तरीके से कल संसद में 2 लोग घुस गए थे, और उसमें बताया जा रहा है कि 4 लोग थे कुल और एक महिला भी थी, जो कह रही है कि अगर मोदी जी रोजगार नहीं दे सके तो इस तरीके से वो संसद में घुसेंगे। और ये भी लगातार कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के होते हुए, बीजेपी की सरकार के होते हुए, जब संसद ही सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित रखेंगे वो। अब देखते हैं कहाँ तक ये सही है इस तरीके से संसद में घुस जाना, क्योंकि ये तो जायज़ है ही नहीं। जहाँ पे कहा जाता है कि एक परिंदा पर भी नहीं मार सकता है, वहाँ पे 2 लोग ऐसे घुस जाते हैं और जो कलर बॉम्ब होता है वो फेंक देते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। बाकी आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।